कैसे वो फाड़ता है, वो कैसे आता है, आपको उसकी पहचान कैसे होगी? आप कैसे पहचान सकते हो भी शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है? कैसे आप अलर्ट हो सकते हो? हालेलुया। हम देखते हैं कई फैमिली चर्च में ऐसी आती हैं, उनको दबाव पड़ते हैं, उनको सपनों में दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। कई फैमिली ऐसी मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, कहते हैं पास्टर जी शैतान मेरे साथ सपनों में गलत रिलेशन बनाता है। अब सपनों में कौन गलत रिलेशन बनाएगा? डेविल, शैतान। क्योंकि जब आप सोते हो, नींद में होते हो, तब वो अंधकार की शक्तियां, वो आत्मिक शक्तियों के साथ उनका युद्ध होता है। हालेलुया। एक तो अंधकार की शक्तियां, एक खुदा की ओर से आत्मिक शक्तियां, क्योंकि परमेश्वर आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। पर जब आप नींद में होते हो, तब भी आपने परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना है। खुदा बाप, आज तेरे स्वर्ग दूत मेरे सपनों में आए। परमेश्वर, आज तेरा आत्मा मुझे प्रोटेक्ट करे। जब आज मैं नींद में सो, तो पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग दूत मेरी रक्षा करे। आपने कमांड की, आपने बोला, आपने जुबान को खोल के जब आप नींद में सोते हो, तो कोई भी शैतान आपके पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप शैतान के ऊपर जीत को पाते हो, शैतान को हराते हो, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान मारने, घात करने, फाड़ने आता है। शैतान को जगह चाहिए। वो एक ऐसा गंदी दुष्ट आत्मा जो कब्जा करती है। कब्जा क्या करती है? वो कब्जा। हालेलुया। अब कब्जा करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक इंसान का शरीर चाहिए, एक बॉडी चाहिए। हालेलुया। अब आपने देखना है, आपने परमेश्वर को अपनी बॉडी, अपना शरीर देना है, ताकि परमेश्वर का कब्जा आपके ऊपर हो जाए, या फिर किसका हो जाए। हालेलुया। इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बाइबल कहती है यहां पर क्या हुआ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब यहां पर शैतान ने उसको बोला तू मरेंगी नहीं, अब परमेश्वर कह रहा तू तो मर जाएंगी। हालेलुया। अब उसने उसको एक नया जीवन दिखा दिया, शैतान ने उसको अलग दुनिया दिखा दी। अब परमेश्वर ने कहा अगर तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। अब शैतान कहता अगर तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय कभी ना मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर वो भूल गए थे, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें अच्छा खाने को दिया, अच्छा रहने को दिया, अच्छी वाटिका में हम रह रहे हैं। पर वो सब कुछ भलाई को जो खुदा ने उनके लिए की उसको भूल गए और बुराई को सुनना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने देखना है आपने किसकी आवाज को सुनना है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे को वचन दे दिया, मैंने तेरे को बाइबल दी, अब पढ़ना किसने है? कहने पढ़ना वहां कहनी जिम्मेवारी है? हैं, मैंने सुनिया नहीं, कहनी जिम्मेवारी है? बोलो साडी जिम्मेवारी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं, याद रखो उसकी कोई उम्र नहीं है। हालेलुया। ताड़ी उम्र 60 साल है, ताड़ी उम्र 45 साल है, ताड़ी उम्र 10 साल है। मैंने 10 साल के बच्चे को अन्य भाषा बोलते हुए सुना यीशु मसीह के नाम से। 10 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, हालेलुया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब ये हम क्या सीखते हैं? ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए? सुमेनो, परमेश्वर तो बड़ा कोई हो सकता वा? और लूसीफर जो आज दा शैतान है, वो परमेश्वर दा सब तो प्यारा दूत सिगा। हालेलुया। वो सब कुछ ओदे अंदर सारिया पावर सिगिया, सारिया शक्तियां सिगिया। हालेलुया। आज किसी टाइम तो वो परमेश्वर का सबसे अच्छा दास था, आज वो बहरूपिया है, आज वो बहरूपिया है। वो अपने रूप बदल बदल कर लोगों को भरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने देखना है, मैंने किसको देखना? परमेश्वर की एक ही आवाज होती है। परमेश्वर एक ही आवाज के नाल तनु बुलांदा वा। वो आवाज किसकी है? वो आपके आत्मिक पिता की आवाज हो सकती है, वो आपके पास्टर की आवाज हो सकती है। हमने बाइबल में पढ़ा था, लास्ट मैंने संडे को भी इस बारे में बताया, पिछले वेडनेसडे भी मैंने बताया, जब सैमुअल को खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने बुलाया, तो किसकी आवाज में बुलाया? किसकी? एली की आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब खुदा बाप यहोवा परमेश्वर उसे बुला रहा था, कहता सैमुअल, सैमुअल, उसको यहोवा परमेश्वर की आवाज नहीं, उसको वो एली की आवाज सुन रही थी। हालेलुया। वो तुरंत उठ के जाता, कहता आपने मुझे बुलाया? कहता नहीं 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 सैमुअल तू सो जा जाके। वो फिर सो जाता, फिर यहोवा परमेश्वर से बात करता, फिर वो उठता, फिर वो अपने आत्मिक पिता के पास जाता,
फिर वो कहता आपने मुझे बुलाया, कहता नहीं सैमुअल सो जा। मतलब उसको किसकी आवाज सुनाई दी, अपने आत्मिक पिता की, हालेलुया, अपने स्पिरिचुअल फादर की आवाज, उसको यहोवा परमेश्वर की आवाज सेम सुनाई देती थी, हालेलुया। पर वो बार बार उठ रहा था, वो बार बार उठ रहा था, वो जा रहा था, बट उस वक्त परमेश्वर के दास, उसके स्पिरिचुअल फादर, उसके मॉन्टर, उसके आत्मिक पिता ने उसकी क्या की, अगुवाई की, हालेलुया। अगुवाई करने के लिए आपको स्पिरिचुअल फादर के अंडर ग्रेस में होकर आपको चलना पड़ेगा। जब फिर वो सो गया, जाकर बार बार उठा, फिर वो सो गया, फिर वो फिर यहोवा परमेश्वर उसे बुलाया, कहता सैमुअल सैमुअल, फिर वो गया, फिर एली कहता उसको सैमुअल को, अब अगर तुझे कोई बुलाए तो ये कहना हाँ मेरे परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है, हालेलुया, हाँ मेरे परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। आज मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती है, पास्टर जी आप मेरे सपनों में आए, तुसी मेरे सपने ने बेचारे, अब मैं तो अपने घर पे सोया हुआ हूं, मैं कैसे सपनों में आ सकता हूं। सपनों में आपके यहोवा परमेश्वर आता है, एक आत्मिक पिता के जरिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन बड़ा चाहिए मुझे, आमीन हालेलुया।